हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर हिंदी सब्जेक्ट इन स्टैंडर्ड फिफ्थ। हमने फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन एंड थर्ड लेसन भी पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लेसन के बाद जो स्टोरी दी गई है वो हम पढ़ेंगे। ओके, तो स्टोरी क्या है? स्टोरी का नाम है नाम दो। क्या नाम है? नाम दो। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं कि कहानी में लोनपो घर के बेटे और लड़की को कोई नाम नहीं दिया गया है। नीचे तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है। यह परिचय पढ़ो और मनपसंद नाम छांटकर बेटे और लड़की को कोई नाम दो। क्या है कि हमने फर्स्ट लेसन पढ़ा था। क्या था फर्स्ट लेसन? कि जो तिब्बत में लड़की एंड लड़का जो रहता था लोनपो में, वो जो लड़का था वो उनको उनके पापा उनको बाजार बैलों के साथ बेचते हैं। वहाँ पर उनको एक लड़की मिलती है और वो लड़की बहुत चालाक होती है। और लास्ट में क्या होता था कि इन दोनों का मैरिज उनके पिता करवा देते थे। पर यही इस पूरे लेसन में कहीं पे भी उन दोनों का, लड़के एंड लड़की का नाम कहीं पे भी नहीं दिया है। तो यहाँ पर हमें कुछ माहिती इन्फॉर्मेशन दी है, उसके कारण हमें कोई भी उनका नाम हमें रखना है। ओके, तो नाइमा डावा मिगन मिगमार लखपा नुखू फूदुर्जे, ये क्या है? कोई खाने की चीज़ या घूमने की जगह के नाम नामा जी नहीं। ये है तिब्बती बच्चों के कुछ नाम नामा। ये सारे नाम तिब्बत में शुभ माने जाते हैं। यहाँ पे जो जो भी नाम दिए हैं, ये आपको हमें लगता है कि ये तो कोई प्लेस का नाम होगा या कोई किसी का भी कोई वस्तु का नाम होगा, पर ये कोई प्लेस या तो वस्तु का नेम नहीं है। ये किसका नाम है? तिब्बत में जो बच्चे होते हैं ना, वो ये सभी नाम उनके रखते हैं। और ये जो नाम है वो उनके शुभ मनाया जाता है। कौन कौन सा नाम है? नाइमा डावा मिगमार लखपा नुखु फूदुर्जी, ये सब नेम जो है वो शुभ मनाए जाते हैं। कहीं पर तिब्बत में शुभ मनाया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है कि मानते हैं कि इससे बच्चे को उस दिन के देवता सूरज जैसी शक्ति मिलेगी और जब उसका नाम पुकारा जाएगा यह शक्ति बढ़ती जाएगी। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों का नाम डावा रखा जाता है। क्या है इसमें कि उन लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो ये नाम रखता है ना, तो उन बच्चे में बहुत ही शक्ति होती है, कैसे कि सूरज जैसी शक्ति उनमें आती है। और जब भी हम उसे नाम से पुकारते हैं तो वैसे वैसे जब हम पुकारते उनके नाम लेते हैं वैसे वैसे उनकी शक्ति भी बढ़ती जाती है। ओके, तो और जो सोमवार को जन्म लेता है उनका नाम क्या रखते हैं वो लोग? डावा। क्या रखते हैं? डावा। ओके, नेक्स्ट, यह लड़का लड़की दोनों को नाम है नाम हो सकता है। तिब्बती भाषा में डावा के दो मतलब होते हैं, सोमवार और चांदा यानी डावा चांद जैसी रोशनी फैलाएगी और अंधेरा दूर करेगा। क्या है कि जो डावा नाम रखते हैं उन लोगों का तिब्बत में दो नेम दो मीन्स है उनका। क्या है? फर्स्ट है डावा मीन्स कि सोमवार, एंड सेकंड है कि जो डावा नाम रखते हैं वो चांद जैसी चांदनी फैलाएगा सभी पे। और ये जो लोग ये डावा जो नेम है वो लड़की का भी हो सकता है लड़की एंड लड़की दोनों का हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, तिब्बत में बुद्ध के स्त्री पुरुष रूपों पर भी नामकरण करते हैं, खासकर दोलना नाम बहुत मिलता है। यह बुद्ध के स्त्री रूप तारा एक ही तिब्बती नाम है। कौन सा नाम मिलता है?
यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा नाम मिलता है तिब्बत में, खास कर दोलना नाम मिलता है। कौन सा नाम मिलता है? तो दोलना नाम मिलता है। यह बुद्ध स्त्री के रूप तारा एक ही तिब्बती नाम है। तो आपको समझ में आया तिब्बत में कैसे कैसे नाम रखते हैं एंड उसका मीन्स क्या है, वो हमने इस पार्ट में पढ़ लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टोरी है हमारी दुनिया की छत, वो हम पढ़ेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी स्टोरी है दुनिया की छत। तो क्या है कि किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाकों की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है। जिस इलाकों में वह लोक कथा सुनाई जाती है, क्या होता है कि हमें कोई भी इलाके की माहिती लेनी है, कोई भी एरिया की हमें माहिती इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन पहले लेनी चाहिए? तो उनका जलवायु, वो कैसे रहते हैं, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उनकी संस्कृति क्या है, वो सब हम जानते हैं, तो उस इलाके की पूरी माहिती हमें मिल जाती है। और उस एरिया में कौन सी लोक कथा सुनाई वो लोग सुनते हैं, वो भी हमें जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है कि राख की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। हमने फर्स्ट हमारा लेसन क्या था, राख की रस्सी। ये शीर्षक क्या है कि लोक ये जो शीर्षक है वो तिब्बत से संबंधित है, जिस दुनिया की छत कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। ओके, पठार जमीन के ऐसे भागों को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। किसको पठार कहते हैं? तो जो मैदान, जो हमारा जो ग्राउंड होता है, तो वो ग्राउंड से ऊंचा और आकाश से जो नीचा होता है उसको बोलते हैं पैठान। ओके, समझ में आया। तिब्बत के पठार तिब्बत के पठार पर खड़े है से नीचा होता है, तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा है। इन पहाड़ों की एक खासियत है कि ये कई रंग के हैं, भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गुरुआ और हरे। ये सभी रंग के पहाड़ वहीं पे है, कहीं पे है? तो तिब्बत में ये सभी रंग के पहाड़े। कौन कौन से रंग है? तो भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे, ऐसे सब पहाड़े तिब्बत में हैं। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों में मन चाहे रंग भर देते हैं, इन पथरीले पहाड़ में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ है। इस पहाड़ों में क्या है? तो तरह तरह के मिट्टी और खनिज पदार्थ है। सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पहाड़ पड़ने से वे पहाड़ अनोखे रंगों में चमक उठते हैं। वो रंग वाला तो है, फिर उनमें सूर्य की जो किरण आती है वो पड़ती है, तो उनका रंग बहुत अच्छा लगता है और वो चमक उठता है। ओके, नेक्स्ट, तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है। तिब्बत की हवा में क्या बहुत कम है? जो नमी होती है वो बहुत कम है। इस वजह से यहाँ बरसात और बर्फीली कम होती है। ओके, खुशक मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते हैं। तिब्बत का पूर्वी भाग ही ऐसा है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। तिब्बत का पूर्वी भाग कैसा है कि वहाँ पर बहुत सारे घने जंगल हैं। उन जंगलों में पेड़ पौधे पशु पक्षियाँ की दुर्लभ किस्में मिलती हैं। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली है, कहीं लाल पीली तो कहीं काली। तिब्बत की मिट्टी जो मिट्टी कैसी है? तो कई जगह पे रेतीली है, कहीं पे लाल तो कहीं पे पीली है। ओके, तिब्बत में लगभग 1500 जिले हैं। ये जिले बनती है पहाड़ों की बर्फ पिघलने से। तिब्बत में कितनी झरने हैं? जो झरना आता है ना वो कितना है? 100
सॉरी 1500, और वो कैसे बनता है, तो जैसे पहाड़ से बर्फ बर्फ जो होता है वो पिघल जाता है और वहाँ से एक झरना निकलता है। ओके नेक्स्ट, इनमें मानसरोवर झील का बहुत नाम है, यही से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है तिब्बत से? ब्रह्मपुत्र। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। ओके काफ़ी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है, यह की सर्दी का हाल मत पूछो, ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया है और ऊपर से तेज ठंडी हवाएं चल रही हो, वहाँ पर ठंडी बहुत होती है, इसीलिए लेखक ये कह रहा है। इसीलिए वहाँ के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म कपड़े ही पहनते रहते हैं। ओके तिब्बत लोगों के घर बनाने की कारीगरी अनोखी होती है, तिब्बत में लोगों के घर बनाने की कारीगरी अनोखी होती है, आप ये पिक्चर में देख रहे हो। यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुमंजिल घर है, लोग अब पत्थर मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। वहाँ पर पहले के ज़माने में कौन किससे बनाते थे? तो लकड़ी से। अब मिट्टी पत्थर और सीमेंट से भी बनाने लगे हैं। खिड़कियाँ भी अधिक बनाई जाती है ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर में अंदर जा सकें। भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ा झुकी होती है। कैसी होती है? कि अंदर की ओर थोड़ा झुकी हुई होती है, क्योंकि वहाँ पर भूकंप बहुत आता है, तो भूकंप से बचने के लिए उनकी दीवारें ऐसी बनाई जाती हैं। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है ल्हासा। कौन सा शहर है? ल्हासा। 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। सबसे बड़ा एंड सबसे ऊंचा शहर कौन सा है? ल्हासा। कितने मीटर ऊंचाई पर है? तो 3650 मीटर की ऊंचाई पर वो है। ओके कपड़ों तथा खाने पीने के लिए यहाँ का बाज़ार बहुत प्रसिद्ध है। ल्हासा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है। ल्हासा को तिब्बतियों का क्या माना जाता है? उनका दिल माना जाता है। ओके तो आपका फर्स्ट लेसनों के बाद जो स्टोरी थी वो आपकी तिब्बत के रिलेटेड ही थी, वो आपकी यहाँ पर फिनिश होती है। ओके